तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम जेकब नामी एक आदमी को देखते हैं जो स्पेस सूट पहने जंगल में घूम रहा था। एकदम से जेकब की आंख खुलती है और हमें मालूम होता है कि अभी जो हमने देखा वो सिर्फ जेकब का ख्वाब था। असल में जेकब एक एस्ट्रोनॉट है और इस वक्त अपनी स्पेसशिप के अंदर है। हेडक्वार्टर से मैसेज मिलने पर वो अपनी वीडियो कॉल ऑन करता है, जिसके जरिए जमीन पे मौजूद उसके डिपार्टमेंट के सभी लोग अब उसे देख पा रहे थे। जेकब स्पेस की सोलो जर्नी पर था, यानी वो अकेला स्पेस में गया था और आज उसका 179वां दिन था, जिसकी वजह से सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अभी तक सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। उसका स्पेस मिशन था कि स्पेस में मौजूद चोपड़ा क्लाउड की इन्वेस्टिगेशन करना, जो कि जुपिटर प्लैनेट के पीछे था। ये एक ऐसा अजीब डस्ट से बना हुआ बादल था जो बहुत ही रोशन नजर आता था। जेकब अपने डिपार्टमेंट में बताता है कि बस वो सिर्फ एक हफ्ते बाद चोपड़ा क्लाउड के अंदर होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बारे में सारी मालूमात वो इस दुनिया में देगा। यहाँ जेकब ये कॉल डिस्कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ जेकब की वाइफ उसके हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट करती है और न्यूरोस्पेस प्रोग्राम के लोगों को बताती है कि वो जेकब से अलहदा हो रही है। वो अब जेकब के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मुश्किल वक्त में जेकब उसके साथ नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन क्योंकि जेकब उसके साथ नहीं था उसका ख्याल नहीं रख पाया, तो ऐसे में उसका बेबी पैदा होने से पहले ही मर चुका है और इसी वजह से वो अब अपने हस्बैंड को छोड़ रही है। न्यूरोस्पेस प्रोग्राम वाले ये खबर जेकब को नहीं देते क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर एक बहुत अहम मिशन पर था और ये खबर उसकी दिमागी हालत खराब कर सकती थी। अपनी स्पेसशिप में जेकब अभी सो रहा था कि अचानक उसकी आंख एक डरावने ख्वाब से खुली, जिसमे उसने देखा कि उसके नाक आंख कान के अंदर कीड़े घुस रहे थे। वो जब उठा तो उसे पता चला कि उसका ख्वाब है। वो इन ख्वाबों से तंग आ चुका था क्योंकि ऐसे डरावने ख्वाब उसे पिछले कई दिन से आ रहे थे और ये एक साइन था उसके मेंटल हेल्थ के खराब होने का। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे एक रीजन ये भी थी कि पिछले कई दिनों से उसकी वाइफ ने उससे बात करना छोड़ दी थी। वो स्पेस से जब भी अपनी वाइफ को कॉल करता उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती थी और अब उसकी वाइफ ने उसे छोड़ने का फैसला कर दिया था। ये बात तो उसे मालूम ही नहीं। अब उसे उसके हेडक्वार्टर से कॉल आती है जहाँ उसे बताया जा रहा था कि साउथ कोरिया की एक स्पेसशिप ही ऐसे ही किसी मिशन के लिए उस तक पहुँचने ही वाली होगी, लेकिन उसे अपना मिशन साउथ कोरिया के मिशन से पहले पूरा करना होगा। फिर रात हो जाती है, जेकब दोबारा सो जाता है। इस मरतबा उसकी आँख खुली स्पेसशिप में होने वाली हलचल से। वो डर गया क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। वो जैसे ही अपने स्पेस का चैम्बर खोलता है तो वहाँ एक स्पाइडर के जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर एलियन था। जेकब बुरी तरह डर गया और जेकब ने ये चैम्बर बंद कर दिया। मजेदार की बात तो ये थी कि इस एलियन के अंदर टेलीकाइनेसिस की पावर थी, यानी वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और अपनी बात किसी के भी दिमाग में डाल सकता था। इसी पावर का यूज करते हुए वो जेकब से कहता है, अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जेकब डरकर वहां से चला जाता है, खुद अपना स्पेस सूट पहनता है और फिर कॉल करके अपने हेडक्वार्टर पे अपने स्पेसशिप के अंदर पॉइजनस गैस छोड़ने को कहता है, जिससे कि वो एलियन मर जाए। एक तरफ तो ये सब था, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि हो सकता है वो मॉन्स्टर असली ना हो, उसकी दिमागी हालत ऐसी अजीब हो गई है उसी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रही हो। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई तो उस मॉन्स्टर ने उसे बताया कि मैं हकीकत हूँ और इस टाइम तुम्हारी स्पेसशिप के अंदर ही हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा डर गया और अपने ग्लास चैम्बर के अंदर जा चुका। हेडक्वार्टर वाले अब तक पॉइजनस गैस भी रिलीज कर चुके थे, जिसके खत्म होने के बाद डरते हुए जेकब बाहर निकला और उसने उस चैम्बर का दरवाजा खोला जिसमें पहले वो स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर था। अब बस यही उसके होश उड़ाने के लिए काफी था कि वो स्पाइडर अभी तक वहाँ जिंदा था। वो जेकब से कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मुझे तुम्हारे इस पॉइजन से कोई नुकसान पहुंचा है। अब जेकब उससे सवाल करता है, आखिर चाहते क्या हो तुम? जवाब में वो एलियन कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक रिसर्चर हूँ और इस टाइम मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही अकेले लग रहे हो। यही वजह है कि मैं अपने आप को तुम तक आने से रोक नहीं पाया। उसकी सारी बातें सुनकर जेकब को और भी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने चला जाता है। अब जब जेकब सोकर उठा तो उसे अपनी वाइफ की बहुत सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी। जेकब इस मॉन्स्टर से पूछता है, क्या तुम ये सब कर रहे हो? क्या तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो? एलियन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहता हूँ। खैर, अब यहाँ पे ये मॉन्स्टर एलियन जेकब से कहता है, क्या तुम्हारे पास अंडे होंगे? क्योंकि उसे जेकब के दिमाग से पता चला था कि अंडे बहुत ही मजेदार होते हैं। जेकब कहता है, इस मंच में मेरे पास अंडे तो नहीं, लेकिन हाँ पीनट बटर है। वो एलियन को पीनट बटर टेस्ट करवाता है जो एलियन को बहुत पसंद आया। अब जेकब से ही बात कहते हुए एलियन को पता चला कि वो यहाँ पर चोपड़ा क्लाउड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। एलियन, जिसे पहले ही उस क्लाउड के बारे में बहुत कुछ पता था, वो जेकब को बताता है कि ये क्लाउड तब से यहाँ है जब से ये गैलेक्सीज बनी थी
साथ ही उसने जेकब को इन क्लाउड्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी दी। ये बातें करने के बाद एलियन मॉन्स्टर उसे दोबारा उसकी वाइफ की मेमोरीज दिखाता है और फिर जेकब उसे सवाल करता है, तुम्हारा नाम क्या है? एलियन बताता है, मेरा कोई नाम नहीं, और जेकब उसका नाम हानूस रख देता है। ये मॉन्स्टर हर थोड़ी देर बाद जेकब को उसकी वाइफ की मेमोरीज दिखा रहा था, जिससे अब जेकब तंग आ चुका था क्योंकि उसकी वाइफ उससे काफी टाइम से नाराज थी और ये चीज उसे हर्ट कर रही थी। बार बार उसकी याद दिलाना उसे और हर्ट कर रहा था, इसीलिए अब मॉन्स्टर उसे उसकी वाइफ के बजाय उसकी डैड की मेमोरीज दिखाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो गया और उसने हानूस यानी एलियन को बताया कि मेरे डैड अब मर चुके हैं। अभी वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि उनकी स्पेसशिप के एक छोटे से ओपन चैम्बर से चोपड़ा क्लाउड का एक पार्टिकल उनकी स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। ये देखकर जेकब बहुत खुश हुआ और उसने इस पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश की, पर एलियन ने उसे बताया कि इन पार्टिकल्स को पकड़ा नहीं जा सकता। इनकी बातों के दौरान जेकब का स्पेसशिप के ऊपर से तो ध्यान हट ही गया था और ऐसे में वो चोपड़ा क्लाउड तेजी से उनकी स्पेसशिप की तरफ आ रहा था। स्पेसशिप बस तबाह ही हो जाती। जेकब बहुत ज्यादा डर चुका था, उसके हाथ पांव काम गए थे, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। तब वो स्पाइडर नुमा एलियन उसे गले लगकर उसे काम डाउन करता है और बताता है, ये चोपड़ा क्लाउड है बिल्कुल किसी आम बादल की तरह, चाहे डस्ट का बादल है, लेकिन ये तुम्हारी स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही तबाह करेगा। ये सिर्फ पार्टिकल्स हैं जो तुम्हारी स्पेसशिप के एक किट सस्पेंड हो जाएंगे, यानी खड़े हो जाएंगे। इस सिचुएशन से निकल आने के बाद उसे दोबारा अपनी वाइफ की याद आती है कि कैसे जब उसकी वाइफ बीमार थी, उसे जेकब की जरूरत थी, तो जेकब उसे छोड़ आया। उसकी ये सारी सोच, ये सारी यादें उस एलियन ने भी देख ली और अब उस एलियन को जेकब से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो जान गया था कि जेकब सेल्फिश है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया और ये जानकर वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। उसे जाता देखकर जेकब उसे कहता है, हानूस मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन हानूस कहता है, अब मैं रुकने वाला भी नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है तुमने अपने वाइफ के साथ बहुत बुरा किया, तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान हो। जेकब को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये सब चीजें देखकर जेकब जो बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था, वो फाइनली हिम्मत जुटाकर अब अपनी वाइफ को कॉल करता है उससे माफी मांगने के लिए। उसकी वाइफ इतनी आसानी से मानने वाली तो नहीं थी, लेकिन जेकब ने सोच लिया था कि वो अपनी वाइफ को मना कर ही रहेगा। उसने अपनी वाइफ से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उसे ये भी यकीन दिलाया कि आइंदा वो हमेशा उसके साथ रहेगा, ये उसका आखिरी स्पेस मिशन है, उसके बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देगा। उसकी वाइफ जो भी उससे प्यार करती थी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए छोड़ रही थी कि वो सेल्फिश हो रहा था, वो जब ये नोटिस करती है कि जेकब दोबारा पहले जैसा हो गया है, तो वो उसे माफ कर देती है और ये लोग एक साथ रहने का दोबारा वादा कर लेते हैं। ये सुनकर वो एलियन भी दोबारा वापस आ जाता है और जेकब से कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने माफी मांग ली और तुम्हें गलती का एहसास हो गया। अच्छा सुनो, अब तुम आराम करो, कल तुम्हारे मिशन का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल तुम चोपड़ा क्लाउड के बड़े होल्स के दरमियान में होगे। चोपड़ा क्लाउड के बहुत सारे पार्टिकल्स अभी भी उसके एयर के थे, जिसे वो देख पा रहा था। अब वो सो जाता है और सुबह जब उठता है तो वो पूरी तरह अपने मिशन के लिए तैयार था। वो अपने हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ उसे मालूम होता है कि पूरा मुल्क उसे देखना चाह रहा है, उसका ये मिशन लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट होगा। वो अब चोपड़ा क्लाउड के अंदर भी चला गया था, जहाँ पूरा मुल्क उसे देख रहा था। यहाँ इन सब चीजों को देखकर जेकब ने ये कंक्लूजन निकाला कि चोपड़ा क्लाउड तब बना होगा जब सूरज के टूटने से ये गैलेक्सी बनी थी, यानी ये गैलेक्सी के बनने के बाद बचने वाले पार्टिकल्स हैं जो इतने रोशन दिखाई देते हैं। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि पीछे से हानूस ने उसे बताया कि वो जा रहा है, क्योंकि उसे एक बहुत ही बुरी इन्फेक्शन है, जिस इन्फेक्शन के चलते उसके जैसे उसके सभी एलियंस दूसरे प्लैनेट्स पर मारे गए और अब वो भी मारा जाएगा। ये कहते ही वो स्पेसशिप से बाहर निकल गया। जेकब जो ये सारी बातें सुनकर दुखी हुआ था, वो भी फौरन उसके पीछे निकलता है और जाते हुए आखिरी बार हानूस को पीनट बटर गिफ्ट करता है, जो कि उसे बहुत पसंद था। हम देखते हैं कि अब हानूस यानी उस एलियन के ऊपर बहुत सारे स्पेस वाले कीड़े आ चुके थे, जो उसे बस खाकर खत्म कर देते। जाते जाते हानूस उसे उसकी वाइफ की मेमोरीज दिखाता है, उस वक्त की जब वो पहली मरतबा मिली थी। ये देखकर जेकब के साथ साथ हानूस भी बहुत खुश हुआ और यहाँ पर जेकब को एहसास हो गया कि वो सच में अपनी वाइफ के बाहर नहीं रह सकते। सीन कट होता है और अब दोबारा हम जेकब को जंगल में देखते हैं, वो भी स्पेस सूट पहने, जहाँ पर उसे उसकी वाइफ मिली। उसकी वाइफ उसे यहाँ प्यार प्यारी बातें कर रही थी, लेकिन ये सब बस उसका एक वहम था। असल में काफी अरसा अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हालत काफी खराब हो गई थी और वो अपने वाइफ के सपनों में इतना खो गया था कि उसे वापस स्पेसशिप पे जाने का एहसास ही नहीं रहा। वो इसी चोपड़ा क्लाउड के दिल कहीं गुम हो गया, जिसे फिर साउथ कोरिया की टीम ने आकर रेस्क्यू किया। इन्वेस्टिगेशन तो उस चोपड़ा क्लाउड पे चेकअप पहले ही कर चुका था, ऐसे में साउथ कोरिया वाले उसे रेस्क्यू करके वापस जमीन पे ले आते हैं और फाइनली अब चेकअप अपनी वाइफ से मिलता है, जहाँ उसने ये फैसला किया हुआ था कि वो अब कभी भी अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाएगा। बस यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।